है, पानी का जल जमा होता है, मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, मलेरिया और मतलब टाइफाइड का बहुत परेशानी है। अब्दुल करीम सर, गाँव आनंदपुर। क्या समस्या आप सबकी? सर यही देखिए, आपके सामने ही है सड़क पर, देखिए पानी जमा हुआ, नाली का साफ सफाई हो नहीं रहा है। हाँ। नाली जाम है, पानी निकल नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या ही नाली और उसके आने जाने का रास्ता तो सामने ही है सड़क का। कितने कितने दिन से समस्या है? अरे बहुत दिनों से समस्या। कितने साल से, कितने महीने से समस्या है? 4-5 साल से है। हाँ। अच्छा, ये मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये बागपुर बलाज से लेकर के नौगढ़, मतलब अपने जिला मुख्यालय को जोड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, देखिए दयनीय समस्या है, आने जाने की कितनी दिक्कत है, लोगों का हाथ टूट रहा, पैर टूट रहा, गिर रहे, गाड़ी जा नहीं सकते हैं, एम्बुलेंस में। आपका कौन सा गांव है? आपका यहाँ क्या समस्या है? यहाँ समस्या यही है कि मतलब सड़क में पानी भरा होता है, पानी का जल जमा होता है, मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ। मलेरिया और मतलब टाइफाइड का मतलब बहुत परेशानी है। हाँ। और आने जाने में दिक्कत होती है, गांव की बिजली भी जाती है तो फिर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हाँ। पानी इकट्ठा होता है, आने जाने में बहुत परेशानी दिक्कत होता है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का सड़क बनाया जाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। मेन सड़क की समस्या है कि आपके यहाँ नाली की समस्या क्या है? नाली की समस्या भी है और मेन सड़क का भी है, दोनों का समस्या है। नाली टूटा हुआ है, ज़्यादा नाली खराब हो गया है, उसको भी मतलब बनवाया जाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। साफ सफाई नहीं होती है? होता है लेकिन अच्छे से नहीं होता, वैसे निकाल के कचरा सब सामने रख देते हैं। हाँ। और वो टूटा हुआ है नाली, उसको मतलब जल्दी ही बनवाया जाए, बहुत परेशानियाँ। ऐसी समस्या कितने दिनों से आप सब? अरे लगभग कम से कम 5-6 साल से है ये समस्या। 5-6 साल से? अच्छा, ये मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये मार्ग जाता है ब्लॉक से होती है, करीब वाले रोड तक, मतलब ये गाँव गया है, उधर से रास्ता ज़्यादा खराब है। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? ग्राम पंचायत नंबर 10 है। अच्छा अच्छा, ये नगर पंचायत में तो नहीं है? नगर पंचायत कपिल बस। गाँव ना है? गाँव मदारी। क्या समस्या है पानी के लेकर जो सड़क पे बात है? पूरा नाली खराब है। हाँ। नाली का पानी जो है ऊपर से जाता है। हाँ। आदमी का आने जाने पर दिक्कत है। हाँ। और कभी कभी लग भी जाता है। क्या क्या चाहते हैं आप सब? बन जाए। और कितना ये दिक्कत कितने दिन से है? आज लगभग 2-3 साल से। 2-3 साल से? हाँ। तो यहाँ कोई साफ सफाई करने नहीं आता है? कोई नहीं आता। अच्छा, ये मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? नौगढ़ में। कहाँ से कहाँ तक? ब्लॉक से नौगढ़ तक। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। गांव मदारीपुर फारमपुर। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या ये पूरा रोड जाम हो जाता है पानी से, आदमी बाइक से जाते हैं तो गिर जाते हैं, हमेशा एक्सीडेंट होता रहता है यहाँ पर। तो पानी क्यों जाम हो रहा है? पानी नाली थोड़ा इधर खाल है, सही से अगर साफ हो जाए तो निकल जाएगा पानी पूरा, और पाइप भी जो बम्बू डाला हुआ है वो भी पतला है, मोटा बम्बू रहेगा तो पूरा पानी निकल जाएगा, बम्बू हमेशा जाम हो जाता है। मेन समस्या साफ सफाई है कि बम्बू को लेकर? बम्बू को लेकर है, बम्बू अगर मोटा हो जाए उसके बाद पानी निकलना चले जाएगा, और साफ सफाई भी रहना चाहिए तभी निकलेगा, क्योंकि इधर ढाल है। तो आपने नगर पंचायत से कोई शिकायत वगैरह किया था? नहीं, शिकायत नहीं।